और फूलों में गुलाब, लखनऊ में नवाब, प्रोग्राम में ताली, लड़की की गाली, गले में सोना, टेंशन में रोना, प्यार में गम और इंदौर में सिर्फ हम। और आज इंदौर में सिर्फ हम नहीं है, आज हमारे साथ है जाने माने संगीतकार, कंपोजर, साउंड इंजीनियर और एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, नन अदर देन प्रीतम दा। तो सर कैसा लग रहा है आपको इंदौर आके? आप रैप करते हो क्या? आई एम नॉट अ रैपर सर, बट आजकल तो हर इंसान ही, हर युवा रैप करने में लगा है सर। कैसा लगा सर इंदौर आके? बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा पहली बार मैं इंदौर में आऊँ, और मैं बहुत खुश हूँ इंदौर आके। और सर इंदौर के बारे में एक चीज़ बहुत ही मशहूर है कि यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपने कुछ टेस्ट किया अभी तक? बहुत खाना खा रहा हूँ मैं, आके खाना ही खा रहा हूँ, और मैं इतना खुश हूँ इधर का। कल रात को भी मैं जो डिनर में था हर तरह का खाना खाया, और रियली ब्रेकफास्ट पे भी इतना अच्छा पोहा। मैं इनफैक्ट मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट खाते पोहा का फोटो लेके उसको इंटरनेट पे डाल दिया, ट्वीट कर दिया, इंस्टाग्राम में डाल दिया कि इंदौर का पोहा देखो, अलग अलग सा टेस्ट, कितना टेस्टी है, इतने दिन से पोहा खा रहा हूँ। बट इधर का अभी मिठाई भी कितना अच्छा था, सो मैं तो आज लग रहा है कि बहुत बहुत खाना खाऊंगा आज, मेरे गाना बाद में, अभी का खाना पहले आज। तो हम सभी यंगस्टर्स प्रीतम दा के फैन है, बट वो हमारे इंदौर के पोहे के फैन हो चुके हैं फाइनली, ये तो पता चल चुका है। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी एक संगीत स्कूल में प्रचारक थे, वो संगीत सिखाया, तो क्या आपको उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली संगीत की? हाँ, संगीत सीखा पिताजी, और पिताजी के जो दोस्त लोग को स्कूल में सिखाते थे उनसे संगीत सिखाऊं, और संगीत में रहने का इंस्पिरेशन उनसे ही है। ओके सर, आपको एक मेरा पर्सनली आपसे क्वेश्चन था कि आपको नए जो रॉक गाने आप गाते हैं, वो कि जो पुराने मेलोडीज है, पुराने सॉन्ग है, जो गोल्ड कहा जाता है, ओल्ड इज गोल्ड, वो आपको पसंद है सर? मैं मेलोडियस गाना रॉक स्टाइल में गाता हूँ। ये बात तो सही है आपकी सर, आपके सॉन्ग के तो सब दीवाने। तो सर एक दो एक लाइन आपकी किसी भी सॉन्ग जो आपने गाया उसकी हो जाए। जरा सी दिल में दे जगा तू, जरा सा अपना ले बना, दो लाइन बोले आप? सर दो लाइन बोला तो सर ने दो ही लाइन में फिनिश कर दिया, क्योंकि सर को अभी एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, गाना पूरा सुनने के लिए आप कॉन्सर्ट में आ जाइए। बिल्कुल सर, हम सब तो तैयार है आपका कॉन्सर्ट सुनने के लिए, पर सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जो यंगस्टर, जो स्ट्रगलर्स है, जो अभी भी एक संगीत की जो विधा है उसमें अपना लक्ष्य आज आजमाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल के कारण वो पीछे हट जाते हैं, अपने पाँव पीछे करते, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज का जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत ही ओपन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपको टैलेंट है, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा जी। स्कोप बहुत है, बहुत काम है, अलग अलग। आप क्यों खाली फिल्म सोचते हो? टीवी है, डॉक्यूमेंट्रीज है, कॉरपोरेट फिल्म्स है, जिंगल्स है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब। मेरा ये एडवाइस है कि अगर आप गाना गाते हो, या म्यूजिशियन हो, या लिरिक्स लिखते हो, आप कुछ भी काम करना चालू करो बॉम्बे आके। बॉम्बे आपको आना पड़ेगा, और स्ट्रगल आजकल उतना स्ट्रगल नहीं होता है, क्योंकि एवेन्यूज बहुत सारा है। पहले ज़माने में जो स्ट्रगल का हम लोग सुने हैं ना, उतना स्ट्रगल नहीं होता है। और आजकल का जो पैटर्न है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। अगर टैलेंट है आप में तो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। हौसला रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इस चीज़ में, क्योंकि किसी का एक साल में होता है, किसी का 10 साल लगता है, किसी का 20 साल लगता है, लेकिन होगा ज़रूर। सर क्या इसमें लक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है कि केवल आप जो मेहनत करते हैं उसी पूरा हो जाता है? लक तो इन्वॉल्व रहता ही है, सिर्फ इसमें नहीं, सब कुछ में लक इन्वॉल्व रहता है। ये बात तो सही है ना, आप अगर आप लक में बिलीव करते हो तो लक है, अगर बिलीव नहीं करते हो तो लक नहीं है अल्टीमेटली। बट वो कनेक्शन बनना कि राइट प्लेस पे, राइट जगह पे, राइट टाइम में होना, जो हम लोग बोलते हैं लक, वो तो होता ही है, वो तो सब फील्ड में ही होता है वो। आप कोई भी एक पांच चैप्टर का पढ़ाई के कर लिए जबरदस्त, और वो पांच क्वेश्चन आया ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आपका लक है, टाइट फिश हो जाएगी सर। तो ऐसा ही है, तो लक, बट लक भी एक चीज़ होता है जो कांस्टेंट नहीं रहता है, अगर आप, वो चेंज होता रहता है।
ओके तो सर ने आपने बहुत ही अच्छी चीज सीखी, अगर हमारे यंगस्टर्स से कुछ सीखना चाहेंगे तो बहुत बहुत थैंक यू सर, हमसे बात करके थैंक यू सर, थैंक यू।